बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब तक ये बात मालूम की कि एडर और सब्ट्रैक्टर सर्किट कैसे एक एडिशन के तौर पे काम करता है और सब्ट्रैक्शन के तौर पे काम करता है, और हमने ये बात भी देखी कि सेम हार्डवेयर मीन सेम सर्किट इज़ यूज्ड फॉर द एडिशन एंड एज वेल एज फॉर द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन दिस सिलेक्शन इनपुट। अगर ये सिलेक्शन इनपुट ज़ीरो हो तो ये एक एडर के तौर पर काम करता है, और वेन द सिलेक्शन इनपुट इज़ वन देन ये एक सब्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता है। अभी तक हमने जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, जो भी एग्जांपल सॉल्व की, हमें ये बात मालूम है कि इन आवर डिजिटल कंप्यूटर्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स। वन इज अनसाइंड नंबर्स एंड द सेकंड वन इज साइंड नंबर्स। अनसाइंड नंबर्स के बारे में हम ये जानते हैं कि अनसाइंड नंबर्स जिसके साथ कोई भी प्लस या माइनस का साइन ना हो। हमने अब तक जो एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए एडर एंड एज वेल एज सब्ट्रैक्टर सर्किट को देखा, वो फॉर अनसाइंड नंबर्स था। अनसाइंड नंबर्स के तौर पे हमने इसको देखा कि 7 + 2 हुआ, देन वी गॉट ओवर हेयर 9। हमने यहाँ 9 सम बिट्स में देखा, एंड जब हमने इसे एज अ सब्ट्रैक्टर देखा, मीन्स सिलेक्शन इनपुट को 1 रखा और 7 - 2 अकर हुआ, क्योंकि वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू अनसाइंड नंबर्स, तो 7 - 2 मेक्स 5 इन दी एंड रिजल्ट, और हमारे पास यहाँ सम बिट्स में 5 क्रिएट हो गया। अब एक वर्ड होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो इन आवर अनसाइंड नंबर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम एडिशन वाले सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। एडिशन वाला सर्किट डायग्राम क्या था? वेन इट इज एक्टिंग एज एन एडर, द सिलेक्शन इनपुट इज जीरो एंड दिस सर्किट विल परफॉर्म एडिशन। अब इस एग्जाम्पल में हमने देखा 7 + 2 मेक्स इट 9, यहाँ 1001 एंड ये कैरी आउट जो हुआ वो 0 कैरी आउट था अल्टीमेटली, और हमारे पास 9 नंबर का रिजल्ट अकर हो गया। वो कैसे हुआ 9 बिट का रिजल्ट अकर? हमने बात की जब भी दो नंबर्स आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो या कोई भी परफॉर्मेंस होती है तो नंबर ऑफ बिट सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 बिट्स ऑफ नंबर 7 एंड 4 बिट्स ऑफ 2, ये जब दोनों 4 बिट नंबर आपस में ऐड हुए तो डार्ट क्रिएटेड अ 4 बिट नंबर व्हिच इज 9। इसी तरीके से अगर यहाँ कोई भी ए एंड बी हम दो नंबर सपोज कर लें और वो 4-4 बिट्स के हों तो वी नो कि अल्टीमेट रिजल्ट जो हमारे पास क्रिएट होगा इन सम बिट्स में वो 4 बिट्स का ही होगा। 4 बिट रिजल्ट इन अनसाइन नंबर्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 4 बिट्स, तो हमें पता है हम 15 की रेंज तक जा सकते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हम कि व्हाट इज एन ओवरफ्लो इन अनसाइंड नंबर्स। एन ओवरफ्लो इन द अनसाइंड नंबर इज दिस, अगर ए एंड बी में सपोज कर लें कि ए इज 8, 8 की 4 बिट्स मतलब 1000 इज हैपनिंग ओवर हियर, बी इज आल्सो 8 जिसकी है 4 बिट्स 1000, 8 + 8 हैविंग 4 बिट्स, 8 + 8 विल क्रिएट इन डेसिमल सिचुएशन इट विल क्रिएट 16। 16 इन योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन शुड हैव 5 बिट्स टू रिप्रेजेंट योर 16, विच मीन्स 0000 और यहाँ जो कैरी आउट अल्टीमेटली हुआ वो 1 हुआ। तो इट मीन्स हमें ये बात साबित हुई कि 4 बिट नंबर अगर 4 बिट में ऐड हो रहा है तो उसका रिजल्ट 4 बिट नंबर है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन 4 बिट का नंबर अगर 4 बिट में ऐड हो रहा है तो 5वीं बिट भी अल्टीमेट क्रिएट हो सकती है। क्यों? मोस्ट सिग्निफिकेंट की साइड पे भी तो एक कैरी जनरेट हो सकता है, कैरी आउट, अल्टीमेट कैरी आउट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में से, तो ये 5th बिट क्रिएट हो गई। अब हमने ये बात देखी कि ये 5th बिट इंक्लूड करते हुए 1000 विल मेक इट 16। दो 4 बिट नंबर्स हमने लिए, एक दोनों 8 थे, 8 + 8 = 16 हैज क्रिएटेड अ 5 बिट नंबर। तो अनसाइन नंबर्स में हम बात करते हैं कि अगर ये जो कैरी आउट है ये कैरी आउट क्रिएट हो जाए 1 में तो हम वहाँ बात कर देते हैं ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो मींस हमारे पास 4 बिट के दो नंबर थे, 4 बिट में रिजल्ट नहीं आया, 5वीं बिट में रिजल्ट आ गया, मतलब 5वीं बिट में एक कैरी आउट जनरेट हो गया विच इज इक्वल टू 1। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड पे जो एडिशन हुई वहाँ कैरी आउट क्रिएट हो गया तो हमारा रिजल्ट 5 बिट में चेंज हो गया। तो अनसाइंड नंबर्स में हम बात कर लेते हैं, उसको कह देते हैं ओवरफ्लो।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवरफ्लो एंड कैरी, जो कि मैं आपको इन दी एंड बताऊंगी. अभी फिलहाल हम ओवरफ्लो की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हो रहे हैं. तो ये ओवरफ्लो क्या बात साबित करता है कि 2 4 बिट नंबर अगर आपस में ऐड हुए तो रिजल्ट 4 बिट तक महदूद नहीं रहा, एक और बिट इंक्लूड होगी विच इज दी 5th बिट. तो ओवरफ्लो अकर्स. अब ये जो कैरी आपके डिजिटल कंप्यूटर्स में होता है, उसमें जब हम अनसाइंड नंबर्स को इस तरीके से ऐड करें, 2 4 बिट नंबर्स हमने लिए और उनको ऐड किया और उनका रिजल्ट 4 बिट तक महदूद नहीं रहा, 5th बिट क्रिएट हो गई, मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ने भी एक कैरी आउट दे दिया. तो हमारे पास कैरी फ्लैग होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें कैरी फ्लैग होता है, वो कैरी फ्लैग हाई हो जाता है. वो कैरी फ्लैग हाई होने का मतलब ये होता है कि वो अनसाइंड नंबर में ये शो करता है कि अनसाइंड नंबर्स जितनी स्पेस गिवन थी आंसर की, मतलब 4 बिट में आंसर आना था वो 4 बिट में नहीं आया, 5वीं बिट तक आंसर गया है आपका. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ने कैरी आउट, ये वाला कैरी आउट क्रिएट कर दिया, तो कैरी फ्लैग हाई हो जाता है और आपको ये बात साबित हो जाती है कि अनसाइंड नंबर्स की एडिशन में ये वाला कैरी फ्लैग हाई हो जाता है और वो शो कर देता है कि 5वीं बिट तक आपका आंसर चला गया. दिस इज योर ओवरफ्लो. अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनसाइंड एडिशन या अनसाइंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब जब यहाँ कैरी 1 आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा ओवरफ्लो हो गया. मीन्स अगर गिवन 4 बिट्स हैं तो 4 बिट में ही आंसर नहीं आया, 5वीं बिट आ गई है. फॉर एग्जाम्पल 2 8 बिट के नंबर हैं तो 8 बिट तक आंसर नहीं रहा, 9वीं बिट क्रिएट होगी, मतलब अल्टीमेट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैज़ क्रिएटेड अ कैरी. अनसाइंड नंबर्स के केस में कैरी फ्लैग हाई हो जाते हैं और हमें ओवरफ्लो दिख जाता है, मतलब हम उसके कहते हैं कि जी ये अनसाइंड नंबर्स में हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो गिवन बिट्स की स्पेस तक नहीं रहा, कैरी फ्लैग को हाई करो. और कैरी फ्लैग का हाई होने का मतलब ये है कि बिट्स अब जो गिवन स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द आंसर थी उससे 1 बिट ज़्यादा है. ये रही बात अनसाइंड नंबर्स की. लेकिन व्हाट अबाउट साइंड नंबर्स? साइन नंबर्स में ऐसी बात नहीं होती है. साइन नंबर्स इज डिफरेंट फ्रॉम योर अनसाइंड नंबर्स. उसकी वजह, साइंड नंबर्स में ये बात हमें मालूम है कि साइन नंबर में द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट्स योर साइन. साइन मतलब इफ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0 द नंबर इज पॉजिटिव, इफ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 योर नंबर इज नेगेटिव. तो हाउ वी विल डिटेक्ट ओवरफ्लो इन योर साइंड नंबर्स केस? क्यों? क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो साइन भी रिप्रेजेंट कर रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर रही है. दोनों चीज़ें ये हम पढ़ चुके हैं साइंड नंबर्स में कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट्स द साइन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड. तो द डिटेक्शन ऑफ एन ओवरफ्लो आफ्टर द एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स डिपेंड्स ऑन वेदर द नंबर्स आर कंसिडर्ड टू बी साइंड और अनसाइंड. अनसाइंड नंबर्स में तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व हुई. इन योर साइंड नंबर्स योर ओवरफ्लो डिटेक्शन इज इन अ डिफरेंट वे. अब कैरी आउट से ये जज नहीं हो सकता कि आंसर एक्सीड कर गया. इन साइन नंबर्स द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द साइन, ये बात हमें मालूम है. एन ओवरफ्लो कैन नॉट अकर आफ्टर एन एडिशन इफ 1 नंबर इज पॉजिटिव एंड द अदर नंबर इज नेगेटिव. क्यों? सिंस एडिंग अ पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट हुज मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर देन द लार्जर ऑफ द 2 ओरिजिनल नंबर्स. हम साइंड नंबर की जब बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं ओवरफ्लो इन 2 सूरत हाल में अकर नहीं हो सकता जिसमें एक नंबर पॉजिटिव का है एक नंबर नेगेटिव का है. अल्टीमेटली क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होती है तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली दोनों में से जो सा भी नंबर लार्जर है उससे कम ही होता है क्योंकि घट गई ना, सब्ट्रैक्शन होगी. पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर प्लस का साइन रखता है तो भी क्या होगा, बेशक एडिशन हो रही हो तो -7 + 2. अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्ट ही करते हैं. तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसमें वो कहता है जी ओवरफ्लो अकर नहीं हो सकता. वो कैसे अकर नहीं हो सकता ये हम अब एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करते हैं. अब ये एडर और सब्ट्रैक्टर सर्किट जो आपके सामने मौजूद है ये इज़ फॉर साइंड नंबर्स के तौर पे है. साइंड नंबर्स मीन्स योर मोस्ट सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट्स योर साइन. 0 के लिए पॉजिटिव, इफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज बिट इज 1 दैट मीन्स इट इज नेगेटिव. हमने 2 नंबर्स ले लिए 7 एंड 5. +7 रिप्रेजेंट्स 4 बिट्स, +5 इन 4 बिट्स. प्लस और प्लस इसलिए डाल दिया क्योंकि हम साइंड नंबर की बात कर रहे हैं. अब साइंड नंबर्स है तो इनकी एडिशन हो रही है, साइंड नंबर्स की एडिशन हो रही है. 2 साइंड नंबर आर गोइंग टू ऐड टू सिलेक्ट इनपुट 0 हो गई. जब सिलेक्ट इनपुट 0 हो गई, ए में हमने 7 डाल दिया, 0 1 1 1, बी
में हमने प्लस 5 डाल दिया, 0101। देखिएगा प्लस रिप्रेजेंट हो रहा है 5, प्लस 7 रिप्रेजेंट हो रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट इसकी 0 है। अब एडिशन का प्रोसेस हम समझ चुके हैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कि हाउ एडिशन इज परफॉर्म्ड ओवर हियर। एडिशन परफॉर्म हुई, अल्टीमेट रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, अल्टीमेट रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, क्योंकि ये रेड रेक्टेंगल में मौजूद है, विच इज 1100। इस तरीके से अगर हम इसको तरीके से इधर सॉल्व कर लें तो क्या हो रहा है, 7 + 5 इज इक्वल टू 12। बाइनरी एडिशन ऑफ 4 bits of 7 विद 4 bits of 5 क्रिएटेड अ 4-bit रिजल्ट। बिल्कुल सही है, 4 bits 4 bit में ऐड हुआ और 4 bit का ही रिजल्ट आया। लेकिन यहाँ मसला क्या हुआ, हम साइंड नंबर्स की बात कर रहे हैं। सी दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, विच मीन्स अगर ये साइंड नंबर है, जो कि हम कह चुके हुए हैं ये साइंड नंबर्स की एडिशन हो रही है, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आंसर प्लस के नंबर का है ही नहीं, ये आंसर किसका है, ये आंसर नेगेटिव नंबर का है। अगर हम इस प्लस, इस जगह प्लस चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो अल्टीमेट कह रही है वो यहाँ 0 डालना चाहिए, तो ही ये प्लस 12 बनेगा, मतलब 5वीं बिट इंक्लूड होगी तो ये 12 बनेगा, जो कि ये कैरी आउट है, ठीक हो गया। और ये जो 1 अकेला है 4 बिट के अंदर अंदर का, अगर हम आंसर कंसिडर करें तो ये अकेला 1 ये रिप्रेजेंट करता है, जी मैं तो नेगेटिव नंबर हूँ। This sign shows this is a negative number and this is a negative 4 number. This is not a plus 12 number. It means what happened over here is 1100. ये देखिए 12 का अकर हुआ. According to the sign numbers, the most significant bit represents the sign bit which is 1. और ये जो most significant bit ये मौजूद है. देखिए ये तो 0 है. 4 bit का result 4 bit में create होना चाहिए था. 4 bit का रिजल्ट ऐड हुआ, 4 bit नंबर ऐड हुआ 4 bit में, उसका रिजल्ट 4 bit ही अकर हुआ। अब उसका रिजल्ट देखिए 4 bit अकर तो हो गया और वो साइन नंबर है, तो दो गड़बड़ होगी, एक तो वो 4 bit तक महदूद रहा तो ये नंबर बन गया, और जो ये नंबर बन गया उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है वो ये बात साबित करती है कि मैं तो साइन कैरी करती हूँ, अगर वो साइन कैरी करती है इट मीन्स ये तो -4 बन गया, तो हमारा रिजल्ट तो गलत हो गया इन केस ऑफ योर साइंड नंबर। तो व्हाट वी डू, we add an exclusive OR gate at this side. अभी वो मैं सर्किट आपको शुरू करती हूँ, हम एक एक्सक्लूसिव OR गेट डालते हैं और हम कंपेयर करते हैं दो कैरीज को, कैरी ये वाला कैरी एक्सक्लूसिव OR दिस कैरी, एंड वी कंपेयर दीज टू कैरीज पासिंग थ्रू द एक्सक्लूसिव OR एंड वी विल सी कि ओवरफ्लो कब कब अकर हो रहा है। अब आपको शायद ओवरफ्लो इन साइन नंबर समझ आ रहा हो, ओवरफ्लो इन साइन नंबर्स एक्चुअली जो डेफिनेशन ओवरफ्लो की होती है वो ये होती है कि आपके किसी भी पॉजिटिव नंबर को, ये देखिए ये पॉजिटिव नंबर क्रिएट होना चाहिए था ना, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव नंबर क्रिएट हो रहा है, 4 bit ऐड हो रहा है 4 bit में, इट इज क्रिएटिंग अ रिजल्ट ऑफ 4 bits विच शोज दिस इज अ नेगेटिव नंबर, दिस इज व्हाट इज योर ओवरफ्लो इज। इसी तरीके से आपके अल्टीमेट रिजल्ट ने, फॉर एग्जांपल आपका अल्टीमेट रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए था, तो वहाँ अगर पहली बिट आपकी 0 हो गई, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एक और एग्जांपल फर्जी तौर पे मैं दे रही हूँ, तो वो भी आपको ओवरफ्लो कर करेगा, क्यों, आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0 एंड आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 आना चाहिए था, वहाँ भी गड़बड़ हो गई। तो व्हाट ओवरफ्लो इज, ओवरफ्लो का डिफरेंस याद रखिएगा कैरी से, कैरी तो सिंपल एडिशन में एक एक्स्ट्रा बिट का आ जाना, मतलब 4 bit ऐड हो रही है 4 bit में और आपका रिजल्ट 5वें बिट तक चला गया, तो दैट इज व्हाट योर कैरी इज, जो कि हमने अनसाइन नंबर में बड़े बेहतर तरीके से सीख लिया। लेकिन व्हाट इज एन ओवरफ्लो इज दिस कि आपकी जो गिवन स्पेस है जिसमें आंसर ने आना है 4 bits में, वो आंसर इस तरीके से आया है कि आपका आंसर आना प्लस 12 चाहिए था, लेकिन आंसर एक्चुअली क्या आ गया, इन केस ऑफ योर साइन नंबर आपका आंसर एक्चुअली -4 आ गया, उसने प्लस नंबर को ही डेविएट कर दिया नेगेटिव की तरफ, दिस इज व्हाट योर ओवरफ्लो इज, उसने नौयत चेंज कर दिया, आपके पॉजिटिव नंबर को ही नेगेटिव में बदल दिया, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा परफॉर्म करता है, ये नेगेटिव नंबर हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, दिस इज व्हाट योर ओवरफ्लो इज।